हेलो दोस्तों, स्वागत है आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि हमारे पास जो स्कॉर्पियो है, देख रहे हैं आप यहाँ पर, हमारे पास जो स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो के अंदर एक हमने स्प्रिंग लगाई थी, वो स्प्रिंग नहीं थी हमारे स्कॉर्पियो के अंदर पहले। तो वो स्प्रिंग क्या काम करती है, उसका क्या फंक्शन है, वो हम आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरा भाई जो है वो स्प्रिंग आपको दिखा रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वो स्प्रिंग लगी हुई है, ठीक है। तो वो स्प्रिंग क्या काम करती है, उसका फंक्शन क्या है, वो पूरा आपको समझाएंगे। पहले ये स्प्रिंग नहीं थी, तो कार में क्या होता था कि ब्रेक जो होती है, पिछले जो दोनों पहिए हैं उसके अंदर जो ब्रेक लगाते थे, तो मतलब ब्रेक कम लगती थी। तो हमने जाना कि ये मतलब ये फंक्शन स्प्रिंग वाला जो होता है वो हमारी स्कॉर्पियो में नहीं है, ये जो फंक्शन था वो हमारी स्कॉर्पियो में नहीं था। तो फिर हमने स्प्रिंग लगा कर यहाँ पर देखी, तो हमें पता चला कि ये क्या मतलब क्या वर्क करती है, उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मेरा भाई आपको दिखाएगा और पूरा फंक्शन उसका जो है वो पूरा फंक्शन आपको अच्छी तरीके से दिखाएगा, ठीक है। आप देखते रहिए। तो दोस्तों यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये वाली जो स्प्रिंग है, ये वाली स्प्रिंग हमने दूसरी वाली लगाई है। यहाँ पे बड़ी वाली स्प्रिंग आती है, यहाँ पे हमको ये फटा था जब स्प्रिंग नहीं थी। तो ये देख रहे हैं ना, वाल होता है, ये वाल क्या काम करता है, गाड़ी के पिछले वजन के अनुसार ये पंप एडजस्ट करता है कि पिछले पहियों में किस तरह से कितनी ब्रेक चाहिए होगी। जब ये गाड़ी में पीछे लोडिंग हो, तो फिर ये इस तरह से वर्क करता है कि ये जो डिफरेंशियल होता है ये वाला पिछली एक्सल, वो उसी जगह रहता है जब टायर इतनी जगह रहते हैं। तो लेकिन जो बॉडी होता है वो मैं आपको वर्किंग करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ऊपर नीचे होता है। कर ये देख रहे हैं आप, ये डिफ्रेशन उसी जगह है लेकिन ये बॉडी वर्क करता है। बस रेवा दे। तो क्या होता है कि जब आपकी गाड़ी के पीछे डिक्की में जब लोग बैठते हैं, तो लोग बैठते हैं या फिर वेट ज़्यादा होता है, तो क्या होता है, ये जो पंप होता है इसकी ये जो स्प्रिंग होती है इसकी टेंशन कम होती है, तो ये पंप ऊपर की साइड चला जाता है। इससे क्या क्या होता है, ये पंप की जो देख रहे हैं वाल की जो ये शाफ्ट देख रहे हैं, ये शाफ्ट ऊपर की साइड चली जाती है, तो पिछले पहियों में ज़्यादा ब्रेक लगती है। अगर आपके स्कॉर्पियो खाली है या फिर दूसरा कोई वाहन होगा उसमें भी यह सिस्टम होगी, अगर वो खाली है तो पीछे लोडिंग नहीं होगा, तो ये वाल देख ये जो शाफ्ट है ना वो नीचे की साइड होगी, तो ब्रेक कम लगेगी पिछले टायरों में। तो ये सारा फंक्शन होता है इस तरह से। और यहाँ पे भी एक बड़ी स्प्रिंग लगी हुई है जो पंप की जो ये शाफ्ट होती है उसको ऊपर की साइड लगा देती है। और ये ब्रेक करेंगे ना तो ये शाफ्ट ऑटोमेटिक ऊपर जाती है, क्योंकि ब्रेक ज़्यादा लगनी चाहिए ना पीछे की साइड, और ये टेंशन कम हो जाने से ब्रेक ज़्यादा लगती है। ये स्प्रिंग का महत्व यही है। और ये वाल खराब होने के कारण ये पीछे पहियों में ब्रेक नहीं लगती है। ये देख रहे हैं ना आप, ये वाली जो लाइन है वो यहाँ से निकलते यहाँ जाती है, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होके यहाँ से यहाँ दोनों पिछले पहियों में जाती है। तो इसी तरह से ये वाल्व काम करता है ब्रेक का। और ये पिछले पहियों में ब्रेक मास्टर सिलेंडर नया डाला है, और यहाँ का भी ये नया डाला है, फिर भी ब्रेक नहीं लग रही है।
तो फिर इसका प्रॉब्लम हो सकता है, ये वाल का, है ना दोस्तों। तो ये खास ध्यान रखें कि आपकी स्कॉर्पियो या दूसरी और कारों में भी आता है, ये होना जरूरी है, स्प्रिंग होना, वो भी हाई टेंशन वाला। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्कॉर्पियो का लोड सेंसिंग वाल है, जैसे लोड बढ़ेगा इस तरीके से ये वाल वर्क करेगा। तो ये स्प्रिंग का भी मैकेनिज्म वही होता है, तो आपने यहाँ पर फिगर देखी उसकी, ठीक है। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पर किस तरीके से वर्क करती है स्प्रिंग, डिफरेंशियल के पास ही लगी हुई होती है। तो आपके स्कॉर्पियो में भी आप देख लीजिए कि वहाँ पर स्प्रिंग है या फिर नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो प्लीज़ लगवा लीजिए, आपको कोई भी स्प्रिंग चलेगी, सिर्फ उसका टेंशन होना चाहिए। तो अगर उसके अंदर टेंशन है तो आप लगा सकते हैं, ठीक है। अगर स्प्रिंग नहीं रहेगी तो पिछले दोनों पे उसके अंदर ब्रेक कम लगेगी, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ भी अगर आप कुछ नया जानना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कॉमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, तो हम उसका वीडियो बनाने का ट्राई करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों।